नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में लेसन 3 चल रहा है। एडवांस पीएचपी का लेसन, एडवांस पीएचपी का ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम डेट एंड टाइम बताएंगे। पिछले वीडियो में हम इंक्लूड के बारे में आपको समझा दिए थे, और इंक्लूड एंड रिक्वायर्ड में क्या फ़र्क है ये भी हम आपको बताए थे। नाउ स्टार्ट करते हैं डेट एंड टाइम्स। डेट एंड टाइम एक नॉर्मल सा फंक्शन है, डेट फंक्शन करके एक फंक्शन है, जिसके बाद हम बीच में इसका फॉर्मेट लिखते हैं। फॉर्मेट कुछ DMYL के अकॉर्डिंग होता है, HISA के भी अकॉर्डिंग होता है। ये तीनों चारों चीज़ क्या है हम ज़रा देखते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं बारी बारी से। यही पुराना पेज हमारा है जिसमें हम आपको रिक्वायर्ड इंक्लूड के बारे में बताए थे, इसी में हम देखेंगे। सर्वर ऑन है मेरा, एंड इसको फिलहाल इसको हटा देते हैं, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे डेट लिखते हैं नॉर्मल, इको या डेट डालते हैं। अभी डेट एंड डेट फॉर्मेट डालने के बाद हम यहाँ पे वाई डालते हैं। ओके, यानी वाई। एंड इसको रन करके ज़रा देखते हैं हम लोग। ये रन किए लोकल होस्ट। नथिंग, क्योंकि हमने इको नहीं लिखा था। अब देखिए 17 दिखा रहा है, 17 द सेंस इस समय 2017 चल रहा है। ठीक है, ज़रा हम आपको गूगल भी खोल के इसको बताते रहें ताकि। ओके, टाइम फॉर इंडिया। करेंट टाइम, हाँ तो करेंट टाइम 6 अप्रैल 2017 इस वक्त हो रहा है। ठीक है, अरे इस वक्त तो 7 PM, 7:33 AM एंड 6 अप्रैल 2007। ठीक है, तो ये चीज़ 2017 यहाँ पे 17 दिखा रहा है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि वाई, जो हमने वाई लिखा है, वाई का मतलब होता है ईयर। तो सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा, डी लिखते ही डेट बता रहा है। ठीक है, आज कितना तारीख है, 6 तारीख है। एंड इसके बाद एम लिखते ही पता ही चल गया होगा, मंथ बताएगा आपको। एंड इसके बाद एक चीज़ और है, एल, स्मॉल लेटर में एल है। एल क्या करेगा, वाओ आज थर्सडे, ये भी बता दिया, यानी डे डे बताता है। ओके, अगर इसको हमको एक एक सिस्टम तरीके से लिखना हो, अगर कि डेट हम ऐसे कर सकते हैं या फिर ये भी कर सकते हैं। फिलहाल हमको डेट, देन मंथ, देन ईयर, ऐसे अगर लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं इस वक्त। पर ये टाइमिंग की तरह लग रहा है, तो हम यहाँ पे ऐसे डाल सकते हैं डेट मंथ एंड ईयर 6/4/2012। और इसमें हम यहाँ पे डेट प्लस इसमें स्पेस दे देते हैं, तो ये आपका दिखा रहा है डेट 6/4/2017। एंड अगर आप इसमें ही चाहें तो कोष्टक में या किसी भी तरीके से आप यहाँ पे एल अगर प्रेस कर दें तो वो उस तरीके से आएगा कि आज थर्सडे भी है। तो ये हुआ हमारा डेट का कुछ फंक्शंस हैं। अब इसके अंदर HISA भी है, इसको भी देखते हैं ये क्या है। इको
डेट एच देख लेते हैं हम लोग, सिंपल सा हवा, यानी फोर, एंड इसको बी आर कर देते हैं हम लोग ना, बी आर लाइन ब्रेक के लिए। एच हो गया, आई ओके, आई हो गया, एस हो गया ओके, एंड ए, ए फॉर ए एम एंड पी एम, ठीक है तो ए एम हो गया। तो सम ओ सॉरी आपको बताया नहीं, एस ए एच फॉर हावर, हावर मिनट एंड सेकेंड ओके। तो इसको ज़रा हम लोग वेरीफाई करते हैं, जैसे हम लोग हावर डाल दिए, मिनट डाल दिए एंड सेकेंड डाल दिए, यानी एस 4 7 37 कुछ गड़बड़ दिखा रहा है। ओ मेरे सिस्टम से ले रहा है, मेरा सिस्टम की टाइमिंग गड़बड़ है ओके। ठीक है, सिस्टम टाइमिंग को सही करना होगा। ठीक है तो ये हवा, एंड यहाँ पे अगर हम ए डाल दें तो ए एम एंड पी एम बताएगा, तो इस वक्त ए एम चल रहा है ओके। ये देखिए सेकेंड के अकॉर्डिंग ये चेंज भी हो रहा है, जैसे जैसे सेकेंड्स हो रहे हैं वो ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। ठीक है तो ये हुआ हमारा सेकेंड, ये हुआ हमारा मिनट, ये हुआ हमारा ओके। तो 4:08 8 मिनट इतने सेकेंड हो रहा है ए एम का टाइमिंग, ये अभी फ़िलहाल दिखा रहा है। तो ये हुआ हमारा डेट फॉर्मेट का सिस्टम। ठीक है सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे फाइल हैंडलिंग, इस वीडियो में तय रखते हैं। ठीक है ये काफ़ी होगा जहाँ तक। सो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। ठीक है नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।